In the very last type of frequency distribution series, we are having cumulative frequency series. Cumulative frequency series में हम क्या करते हैं? Frequency को regularly adapt करते चलते हैं। या तो upwards या downwards, यानी कि frequencies का regularization चलता रहेगा। Frequency series, cumulative frequency series दो type की होती है। एक होती है more than CF series, दूसरी होती है less than CF series। दोनों को बढ़ाने का बड़ा तरीका बड़ा आसान है बेटा। जब more than CF series में बनाना हो या convert करना हो, तो हम क्या करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे वैल्यू मोर देन और वहां पर लोअर लिमिट्स को यूज कर लेंगे। सेम वे जब हमें लेस देन सीएफ सीरीज बनानी है तो हम कॉलम बनाएंगे वैल्यू लेस देन और वहां अपर लिमिट्स को यूज कर लेंगे। और फ्रीक्वेंसी कॉलम में हम क्या करेंगे? मोर देन सीएफ सीरीज बनाते समय हम फ्रीक्वेंसी को नीचे से शुरू करके अपवर्ड्स ले जाएंगे और सम करते हुए चलेंगे, और लेस देन सीएफ सीरीज में हम फ्रीक्वेंसीज को ऊपर से नीचे की तरफ सम करते हुए चलेंगे। अगर आपको यहां से समझ नहीं आया तो अभी देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या चल रहा है। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी सीरीज है, हमें इसको मोर देन सीएफ सीरीज और लेस देन सीएफ सीरीज दोनों में बदलना है। सबसे पहले जो कॉलम हम बनाएंगे वो होगा वैल्यू मोर देन, यहां हम लेंगे हर क्लास की लोअर लिमिट। वैल्यू मोर देन हर क्लास की लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या चल रही है बेटा? जीरो, ये लोअर लिमिट से और ये अपर लिमिट से। तो लोअर लिमिट में हो जाएगा जीरो, यहां लिखते जाएंगे वैल्यू मोर देन जीरो, ऐसे हम लिखेंगे वैल्यू मोर देन, यहां है 10, यहां पर है 20, यहां पर है 30 एंड इस जगह है 40। तो लोअर लिमिट से हमने की। अब देखिएगा, मैंने क्या बताया? फ्रीक्वेंसीज को नीचे से ऊपर की तरफ कम करते हुए चलेंगे, यानी सबसे पहले आप क्वेश्चन में यहां नीचे की तरफ आ जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे 3 का 3 रख दो। अब 3 में ऊपर की तरफ जाओ, 3 + 6 दैट इज 9, फिर इस 9 में 7 को जोड़ दो, 9 + 7 16, फिर 16 में 8 को जोड़ दो, 16 + 8 24 एंड 24 में 4 को जोड़ दो, 28। आपकी मोर देन सीएफ सीरीज तैयार हो गई। यानी फ्रीक्वेंसीज में हमने कैसे ट्रैवल किया? ऐड अप किया नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स गए। ओके, लेस देन सीएफ सीरीज बनानी है। लेस देन सीएफ सीरीज के लिए हमें क्या करना है? वैल्यू लेस देन क्या लेना है? अपर लिमिट लेना है। अपर लिमिट से मेरी बेटा चल रही है 10, 20, 30, 40, 50। तो यहां मैं लिखूंगा वैल्यू लेस देन, मेरी अपर लिमिट से तीन है 10, अगली है 20, फिर है मेरी 30, फिर 40 एंड फिर 50। अब की बार सम लेना है क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज का, वो डाउनवर्ड लेना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना है। लिफ्ट चलती है बेटा, यहाँ हम लिफ्ट में डाउन ग्राउंड फ्लोर से अब टॉप फ्लोर पे गए, उसमें टॉप फ्लोर से वापस नीचे आ रहे हैं। तो देखिएगा 4, 4 + 8, 12, 12 + 7, 19, 19 + 6, 25, and 25 + 3, 20। ये मॉडल नो सी और लेसन सी से हुए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस बार एज बेटा हमारे पास है 18 ईयर्स और फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। सबसे पहले अब जैसे पिछली बार वैल्यू मोर देन, अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी थी भाई ये एज है, वेट है, मार्क्स है, तो हम उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर देंगे। हमने इस बार लिखा एज मोर देन, और अब हमें यहाँ कौन सी लिमिट्स लेनी है? क्रॉस चेक करनी है मोर देन में कौन सी लिमिट्स चलती है। लोअर लिमिट्स चलती है, लोअर लिमिट्स बेटा ये 8, 14, 20, 26, 32 वाली। तो 8 यहां लिखेंगे, 8 मोर देन 8, फिर 14, फिर 20, 26 एंड 32। जबकि इधर जब हम लेस देन सीरीज बनाने आएंगे तो वहां हम एज लेस देन लिखेंगे, अब की बार अपर लिमिट्स उठाएंगे 14, 20, 26, 32, 38। ओके, अब मोर देन सीएफ सीरीज में सम कहां से करना है? नीचे से ऊपर की तरफ करना है, अपवर्ड्स करना है, सम ऊपर की तरफ ले जाना है। सबसे पहले 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 and + 5 25। इसी तरीके से आप चाहे तो लेस देन सीएफ सीरीज बना सकते हैं। इस बार सम नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, 5 + 8 13, 5 + 8 13, 13 + 6 19, + 4
23 and 23 plus 2, 25. So here, more than CF series and less than CF series both completes. Now, I have complete all the content from it and we will see what happens next in the next video.